हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज है 15 रोज़ा, आप सभी को रोज़ा मुबारक। सो व्लॉग की स्टार्टिंग की थी मैंने मॉर्निंग से, सैरी में मैंने शूट नहीं किया था, तो मैंने मॉर्निंग से स्टार्टिंग की। यहाँ अरमान के लिए जाने रहे हैं चाय बनाने, अरमान अभी सो के उठे हैं, मैं भी अभी उठी हूँ, तो चलिए अरमान के लिए चाय बना देते हैं। सो अरमान की चाय यहाँ बन गई है। रस भी हम ही थे। हेलो, हाँ भाई बताइए। येलो बस तू जीत कहाँ पे येलो। अब भाई तुम सवाल लड़ी, मेरा फोन थोड़ा चल ही रहा है। मम्मी भी उड़ गई है, 10 बज रहा है, तुम देख ले रहा हो। होती रहती भाई, फोन चलते तो फंस जा रहा है, बिल्कुल फोन बदलना है। मम्मी तो था कॉल पे रहो। सो सारा काम मेरा फिनिश हो गया है, कपड़े वगैरह धुल रहे हैं सब। हम अभी नमाज पढ़ लेंगे बेटी। और अरमान तुमने खाना खा के फिर बर्तन यहीं रख दिए, कुछ क्या है ना, उठो हटाओ। हटाने को कहा था ना, पकड़ाने को नहीं कहा था हमने। आसान हो रही, उठो भुजिया, कितनी सारी आई हैं, खा लो, रखी हुई हैं। एक डी पापी के ऑफिस से आया था और एक ऑनलाइन मंगवाया था। बेसन रोटी बन जा रही है, पापा को बेसन ही की खानी रहती है, रोजे में परेशान करते रहते हैं। यहाँ हमने छोले बॉयल को चढ़ा दिया है, इसमें सिर्फ एक चम्मच सॉल्ट और एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची डाला है बस, और उसको बॉयल कर लेंगे। इसमें कम से कम 2-3 सीटियाँ लगाना है, ज़्यादा नहीं, 2-3 सीटियाँ लगाते हैं, फिर इसके बाद दिखाते हैं आपको। मम्मी बना रही हैं छोले पूड़ी, चना एंड पापड़ वगैरह, देखते हैं क्या क्या बनाती हैं। ठीक है, चलिए उबाल लेते हैं। ये प्याज कट कर लिया, हरी मिर्च धो लिया है, और यहाँ पे जा रहे हैं टमाटर पीसने छोले के लिए। चलिए पीस लेते हैं। हमारा टमाटर पीस गया है। सो मम्मी यहाँ जा रही हैं छोले पकाने, हो गए हैं छोले, मसाला पीस गया है। एक ही डाला था ना जी, इलायची भी गाड़ लिया, एक ठो है घर देखो सामने इतना अच्छा लग रहा है, लाइटिंग पड़ रही है सन की। अच्छा लग रहा है लाइट। कुछ नहीं देख रहा, ये टमाटर को
तो मम्मी से तो मसाला भून रही थी, तो मैं चली गई थी बालकनी में, फिर मम्मी ने आवाज़ दिया। गरम मसाला है। मैश कर दो नहीं आता अभी तो स्वाद आएगा। तो स्वाद नहीं आता तो लगेगा कैसे छोले खा रहे, खड़े खड़े छोले थोड़े से मैश करके डालो तो स्वाद भी आ जाता है, गाढ़ापन भी आता है ग्रेवी में। मसाला लग जाता खांसी आने लगती है। अरमान के दोस्त आए, अरमान को बुलाने, बेस्ट फ्रेंड है इनका अरमान का। दोनों का ही नाम अरमान है। मेरे छोले बन चुके हैं और यहाँ हम पूड़ी बेलने जा रहे हैं। यहाँ हम बेलेंगे पूड़ी और यहाँ पे मैंने इसमें नमक और अजवाइन डाली है पूड़ी में। यहाँ पूड़ी बेलने जा रही हूँ, मम्मी नमाज़ पढ़ ले फिर बनाएंगी कह रही है। तो पूड़ी बनना स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। तो बराबर से पूड़ी आराम से बेलती है। देखना ये पूड़ी फूल जाएगी। बराबर से बिलती जो आपने बेली थी वो पापड़ हो गई। बराबर से बिलती है तो सब पूरी फूलती है। यस आई नो। जब वो खुला है बाबू बिना तेल लगाए पूरी बनाते हैं। पापा को ऐसी लाल लाल पूड़ियाँ बहुत पसंद है। उनको सफेद पूड़ी अच्छी नहीं लगती है, कहते हैं लाल पूड़ी बना के भटूरा भी अगर बनाते हैं तो भटूरा भी वो कहते हैं लाल बनाओ, सफेद भटूरा नहीं खाते हैं, कहते हैं मेरे लिए लाल कर दिया था। उनके लिए हमें लाल करना पड़ता है और वो पूड़ी बन जाती है। वो पूड़ी बन जाती है। हमारा छोला भी यहाँ बन गया है। दूध में हमें तुम्हें सुनाई क्यों नहीं देता है बाबू, आवाज दे रहे ना। आवाज दे रहे ना। डेरी बोल के दूध धोने के लिए। हेलो कहाँ हो? भैया दूध लेने जा रही है दूध धोने? अरे इना पी भी नहीं मैं भेज रहा हूँ इना। अच्छा साथ में आ रहे हो? हाँ हाँ। अच्छा ठीक है आओ। तो पापड़ तलने लगी हम नमन के लिए तलने। उसको पापड़ पसंद है ना।
अमन की बड़ी फिक्र रहती है मम्मी को, वही खाने पीने माशाल्लाह से आ गए हैं ना, उनको सब चीज चाहिए होती है। ओहो देखिए अच्छा मिक्स आइटम है। और इन्हें जो तुमने डिब्बा आया था तुम्हारा वो क्या किसने भेजा था, जो डिब्बा आया था ऑर्डर करके वो सर ने भेजा था। और ये तुम्हारे फ्रेंड होंगे आपके हम ये कह रहे हैं कि जो है बुखार की बनी हुई है ना देखे तो मैं नहीं करना था पिछले साल से देखे उन्होंने सब चीज दिया बाबू तो सर ऐसे भी चाहते हैं। ये क्या है? सो ये अप्पी की फ्रेंडों ने भेजा है, अमन के दोस्त ने कुछ नहीं दिया। अमन तुम्हारे दोस्त ने क्यों नहीं दिया, दिया कहाँ है मिलने कहाँ गए थे। अच्छा और एक और था तुम्हारा खास दोस्त है कैफू, उसने क्यों नहीं दिया, वो तो बोला है क्या तो ओह बड़े 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 लोग वीआईपी लोग हैं, बड़े वीआईपी लोग हैं, बड़े अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं वीआईपी लोग। सो 8 मिनट हो रहे हैं और मैं यहाँ पूरी निकाल लूँ। अजान हो रही है रोजा के लिए। अरे रोज़ा वगैरह सबने खोल लिया है, चाय भी पी लिया है और मम्मी आयशा की नमाज़ पढ़ने बैठ गई हैं। सो गाइस बस यही था मेरा आज का व्लॉग, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।